ये कटोरी से चार कटोरी है, इसको पानी में धो के और सुखाने को डालती हूँ 1-2 घंटे। ये धो के जाली में डाल दिया है, अभी सुखाने के लिए 1-2 घंटा उसमें ऊपर डाल देती हूँ। ये सूखने के बाद फिर उसको गरम करेंगे। इसको सुखाने को डाले थे, 3 घंटे में ये सूख गया है, अभी इसको गरम करेंगे। गैस एकदम स्लो रखने का है। इसको अच्छे तरह से रोस्ट करने का, पांच मिनट इसको चलाते रहने का। अभी ये हो गया है, निकालती हूँ इसमें। इससे 4 कटोरी चावल है, 1 कटोरी चना दाल है, इसको भी अभी भुजाती हूँ। हो गया इसका चना दाल, अभी इसमें मिक्स करती हूँ। 1 कटोरी उड़द दाल है, अभी उड़द दाल हो गया है। ये 2 टेबलस्पून है, ये ये भुजा हुआ चना दाल है, ये भी 1 वाटी वाला पोहा, ये भी 1 वाटी। ये ठंडा होने के बाद इसको पाउडर करेंगे, नहीं तो चक्की में डाल के भी आ सकते हैं बारीक इसको पाउडर करने का। अभी ठंडा होने के बाद करेंगे। मिक्सी में डाल रही हूँ, अभी आटा करूँगी इसका बारीक वाला। आटा ऐसा तैयार हो गया है, इसको 1 साल तक रख सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं इसको। ये आटा रेडी है चकली का। ये 2 कप आटा लिया है मैंने, 1 चम्मच तिल डाल रही हूँ, सफ़ेद तिल, स्वाद अनुसार नमक। हल्दी 1/2 चम्मच, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, थोड़ा सा हींग। करने के लिए रखा है, वो तेल गर्म होते ही 1/4 कप इसमें तेल मिक्स करूंगी। ये 1/4 कप तेल है, ये अच्छे तरह से मिक्स करने का इसको तेल डाली हूँ। ये नॉर्मल वाटर है, ये चपाती के आटे जैसा होना चाहिए आटा।
तो थोड़ा थोड़ा लेके ऐसा गूंदना चाहिए इसको। ये अभी आटा रेडी हो गया क्या? रेडी हो गया। ज्यादा हार्ड नहीं, ज्यादा सॉफ्ट नहीं, नरम आटा चाहिए, नरम आटा चाहिए। अभी इसको थोड़ा ऑयल लगाएंगे। इसमें आटा डाल रही हूँ अभी। ऐसा नरम होना चाहिए ये आटा। तेल गरम हो गया है, अभी इसमें चकली डालूंगी। एकदम मीडियम आंच पे इसको तलने का है, एकदम धीमे आंच पे। अभी ये चकली रेडी हो गया है, अभी सासू माँ इधर तल रहे हैं। क्या है, अभी निकाल दिया है हम लोग, दूसरा डालूंगा अभी।